यार हम पार्ट टाइम लेके डेज गोन का आ चुके हैं यार। ये मैं ऐसे एक बात आपसे करनी है यार, ये क्या है यार? नहीं मुझे बताओ ये है क्या यार? मतलब इतनी मुश्किलों से यार गेम प्ले बनता है, उसके बाद मतलब गेम प्ले की एडिटिंग करनी है, गेम की हर चीज़ करके बड़ा बड़ा पूरा पूरा करके मुझे दिन भी लग जाता है यार। आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, मतलब ये क्या है यार? थोड़ी मतलब आपकी हमें सपोर्ट चाहिए। हम मतलब इतना पूरा पहले तो घंटा गेम खेलो ना, उसके अंदर से घंटा गेम खेल के उसका फिर गेम प्ले बना, उसको फिर बाद में एडिट करना है, कटिंग करनी है सारी, वो उसमें भी आधा घंटा पौना लग जाएगा अगर बड़ी वीडियो बनी है तो। उसके बाद उसको जो अपलोड करने में उसमें टाइम लगे, वो मतलब समझ लो कि एक गेम ले चलाने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जब मतलब सपोर्ट आपकी चाहिए वो आप करते नहीं हैं, तो यार ये आपसे रिक्वेस्ट है कि यार सपोर्ट करो, इंशाल्लाह आगे और भी जाके गेम प्ले आएंगे। इसके बाद और भी जो मतलब ये गेम अभी ख़त्म होगी, इसके बाद और भी आएंगे गेम्स, और जो कोड मोबाइल और वारजोन में खेल रहे हैं हम, वो भी वो इंशाल्लाह रुकेंगी नहीं, वो भी आती रहेंगी। तो इसके साथ जैसे जैसे ये ऑफलाइन गेम की ख़त्म होगी, इसके बाद नई शुरू कर देंगे, फिर जब वो ख़त्म होगी इसके बाद अगली शुरू कर देंगे। यार थोड़ा सपोर्ट करो यार, ऐसे तो ना होता है, ऐसे नहीं चलता यार। तो हम यार गेम अभी शुरू करते हैं अपनी, सबसे पहले ड्राइव टू लोकेशन, ड्राइव टू लोकेशन। अच्छा जी मेरी गली कहाँ है? पेट्रोल कम है Here for your bike? Hey, what's up? Let me get the gate for you. उम्मीद तो पूरी है कि रास्ते में पेट्रोल पंप मिल जाएगा, अगर सिर्फ सोने पैसे लगाने हैं।
पहुंच चुके हैं अपनी जगह पर, यहाँ पर देखते भी क्या होना है। ओके सो यू ऑल नो हाउ टू हंट दैट व्हाट आई एम हियर टू नो हाउ टू शूट अ गन इट्स अ राइफल नॉट अ गन आई वाज इन द 10th मैन इज दिस मैन बुलशिट इट्स अ स्नाइपर दे 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 इट्स डिफरेंट देन किलिंग अ मैन और अ फ्रीक अच्छा इस गेम की एक बात है इसमें गने मिल जाती हैं पर गोलियां नहीं मिलती हैं ये बड़ा मतलब ना गुस्सा जाता है गोलियां बहुत मुश्किल है यार कलेक्ट करना ना your skin it's fresh yeah I see it they lead this way yeah I can see that well come on man quick there's your buck I see him now here use my rifle if you were in the 10th mountain you know how to use a scope Yeah, Cope. I know how to use a scope. Easy, easy. I got this. You got him. Nice okay. shot. Oh, goddammit, it wasn't a kill shot. He got away. Oh, no, that's okay. You wounded him. He'll bleed out. He's got a trap. Okay. Blood spot? Speed ahead. On it. He'll be slowing down by now. Isn't too much blood. We should be coming across his carcass any time now. Okay. You know how to gut an animal? Yeah, look. Cope, Boozer, and I have been hunting before. He used to go elk hunting with his old man, and yeah, he showed me how to gut a deer. Well, let's just say, no disrespect to Boozer, but... You've got a lot to learn. You're wasting a lot of meat there. Overall, hey, for him. Yeah, thanks. Now, I'll take back that rifle. Here, thanks. Like I said, Deke, we can always use more venison at the camp. Still got some folks trying to heal up from that Ripper attack. Okay, Cope. Yeah, I'll see if I can remember that. तो क्या कहते हो यार मुझे लगता है ये मेरे ख्याल से 5 या 10 मिनट का गेम प्ले होगा बस लेकिन मेरा मूड है कि अब इसका अगला मिशन भी इसी पार्ट में कर दें क्योंकि पार्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मुश्किल होती है फिर क्या कहते हो ठीक है ना क्योंकि ये जो मिशन है वो छोटा 5 मिनट का मिशन होगा मेरे ख्याल से और अंदर राइडिंग सारी हुई थी वो मैंने काट देनी है उसी वजह से वो छोटा हो जाएगा तो इसीलिए ना हम अगला पार्ट्स के साथ मिक्स कर देते हैं मतलब 2 मिशन कर लेंगे इसमें एक हो गया अब एक और करते हैं उसके साथ How's it going, Booze Man? Guess it's been a while since we did any hunting. I'll see if I can scare up some meat while I'm out. Yeah, I got Cope giving you a few pointers. Shit, don't leave me. Thanks, Dean. See you, Booth, man. All right, now just go find some This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. I grew up with these here once. My grandfather told me all about hunting. Funny how it still works in Oregon.
to listen to that bullshit. This way, you poor son of a bitch. At least you weren't torn apart by freaks. If you lived a few more weeks, you might have become one yourself. And whether that did something. Uh-oh. Do what you want. Stay back. I just want to talk. Nero, Protocol 2-7 states clearly that if conducting operations in quarantine zones, if I encounter any civilians or civilians, that I'm forbidden from making contact. Really? See, that sounded to me like making contact. Yes. Yes, it did. You're alive. Yes.
I am. How? How are you alive? What? I don't understand. Okay. You were there. That night. Farewell. The next night, Nero Protocol 2-7 states that everyone was dead. They were slaughtered. Torn limb for goddamn limb. All right, listen up. We're going to do this the easy way or the hard way. The easy way, we have a little chat. You give me the information that I need. And then you go back to digging your way through freaker shit. Whatever the hell is you're doing out here. The hard way. I crack open that little spacesuit. And then we see what your friends out there have to say about you breathing in all this contaminated air. So what's it gonna be, O'Brien? Yes. Okay. Okay. You remember the rooftop of the old brewery? I put a woman on your chopper. She was wounded. Yes. I remember. A knife wound. She was cut pretty bad. I went to the refugee camp that you said you were taking her to. Everyone was dead, so I'm gonna ask you again. How did you survive? We weren't there. We were diverted south to another camp. Like you said, Camp Belknap was overrun, so they moved us south to a camp outside of Silver Lake. Where are the survivors? And now? I don't know. I was transferred to the research unit. Did she survive? Oh, wait. I can find out. I can check. You have one of our radios. That's how you... I can't promise anything, but I'll check. Uh-huh. I'm gonna go with you. No, you can't. Please, you don't. Hey, you don't understand. I'll fucking shoot you. Not before I shoot you. Okay, look, if you're gonna fucking kill me, do it, okay? I did my job. Did that woman, your wife? I put her on oxygen. I gave her an IV. I kept her alive. I got in a lot of trouble for that. She was sick. She wasn't gonna make it, but I got out of the mass unit. I saved her goddamn life. O'Brien, report. I have to go. Please, you have to get out of here. You don't know these men. You don't know what they're capable of. If I don't hear from you, I don't care how long it takes. I'm gonna track you down. And I'm gonna do a lot worse than snap off an antenna. I'm sorry about your wife. But you're not the only one who lost someone that night. आज के मिशन तो यार बड़े छोटे छोटे से बाद चलो कोई बात नहीं मैं दो मिशन पार किया दोनों का एक ही गेम प्ले बना है जितना भी 10 मिनट का बनता 20 मिनट का बनता कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है लेकिन यार आपने मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने सपोर्ट करनी है क्योंकि बहुत यार सर दर्द शुरू हो जाता है खपाई शुरू हो जाती है कि यार एक वीडियो को बनाना पहले उसे एडिट करना फिर उसे अपलोड करना तो आपने यार सपोर्ट ज़रूर करना है यार मैं कह रहा हूँ आपसे ठीक है तो इसका एक ये पार्ट 10 था इसका पार्ट 11 मेरे ख्याल से कल परसों आएगा क्योंकि अब हमने पता है क्या करना है पहले मैंने सोचा था कि हम पता करेंगे हफ्ते के हफ्ते ये जो ऑफलाइन गेम्स है हफ्ते हफ्ते जुमे वाले दिन लाया करेंगे लेकिन वो फिर ज़्यादा लेट हो जाता है फिर ज़ाहिर पता है नई गेम्स आई जा रही हैं एक गेम को ख़त्म करने में इतनी देर लग जाती है तब तक और भी कितनी ज़्यादा बन जाती हैं खेलने वाली तो इसीलिए पता है कि अब करेंगे एक दिन ऑनलाइन गेम्स एक दिन ऑफलाइन एक दिन ऑनलाइन एक दिन ऑफलाइन अब हमने ये सोचा है और इस तरह ही करेंगे ये ज़्यादा आसान तरीका रहेगा मतलब आज मैंने ये चीज़ आई अब ये परसों आएगी दोबारा इसका अगला पार्ट परसों आएगा।